B.1.1.529। आप सोच रहे होंगे कि ये किस गाड़ी का नंबर है, लेकिन ये किसी गाड़ी का नंबर नहीं है, ये एक ऐसे डिजीज का नाम है जिसने नवंबर 2021 में एंट्री मारी और विद इन ए मंथ ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर गया। और मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम इसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या इसके सिम्टम्स कोविड-19 से मिलते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस कोविड-19 से मिलते हैं, क्या इसका कोई वैक्सीन आया है या फिर आने वाला है, और इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, बढ़ रही हैं पाबंदियां। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में बढ़ रही है यात्रा पाबंदियां। 578 इन द कंट्री एंड एटलीस्ट 151 हैव रिकवर्ड, द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड टुडे। ओमिक्रॉन हैज नाउ स्प्रेड टू 19 स्टेट्स। बोट्सवाना एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ से अचानक से कोविड-19 केस इंक्रीज होने लगे, तो उन्होंने PCR कलेक्शन स्टार्ट की, तो पता चला कि 70% ऑफ केसेस में कुछ अलग ही वेरिएंट हैं जो कि डेल्टा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे डोमिनेंट वेरिएंट जो कोविड-19 का था वो है डेल्टा वेरिएंट, जिसके अभी तक भी बहुत सारे केस आ रहे हैं। कोविड के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट में सबसे खतरनाक जो वेरिएंट था वो था डेल्टा वेरिएंट। उन्होंने WHO को रिपोर्ट किया, WHO ने इस पर रिसर्च किया, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, तो पता चला कि नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया। वैसे अभी तक 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ही फर्क है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो होता है मोर डेडली होता है देन द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन भी कम ही हो जाती है, डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है, इजीली स्प्रेड हो जाता है। यह मेन फर्क वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो WHO 26 नवंबर 2021 को डिक्लेयर करते हैं कि नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है जिसको नाम मिला है B.1.1.529। यह ग्रीक नेम भी इसको मिला है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ऑन द बेस ऑफ इट्स म्यूटेशन इजिली स्प्रेड एंड द इंक्रीज ऑफ केसेस इन द साउथ अमेरिका। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेटमेंट में यह मेंशन करता है कि 23 नवंबर को पहला केस आया है बोट्सवाना कंट्री ऑफ अफ्रीका में, 24 नवंबर को दूसरा केस आता है हांगकांग में, फिर नीदरलैंड में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, और 8 दिसंबर को WHO डिक्लेयर करती है कि दुनिया की 57 कंट्रीज में फैल गया, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम कंट्रीज पैनिक में आ जाती है। 9 दिसंबर कोऑर्डिनेटर ऑफ WHO इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ अफ्रीका अनाउंस करती है कि जितने भी केस आए हैं कोविड के नवंबर के महीने में उनमें से 46% ओमिक्रॉन वेरिएंट से आए हैं ग्लोबली, और अभी तक 4 डेथ केस आए हैं ग्लोबली ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जिसमें से 13 दिसंबर को पहला डेथ केस आया UK में, 16 दिसंबर को दूसरा डेथ केस आया न्यूजीलैंड में, 23 दिसंबर को तीसरा डेथ केस आया जर्मनी में, और 27 दिसंबर को 4th डेथ केस आया ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें तो WHO ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कितना इजीली ये ट्रांसमिट होगा, कितना इजीली इसका स्प्रेड होगा, लेकिन जहां तक केस इंक्रीज होने वाली बात है अफ्रीका में, वहां से लगता है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिट होगा, बहुत ही डेडली हो जाएगा, क्योंकि इसके केस बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जैसे ही WHO ने डिक्लेयर किया है कि एक नया वेरिएंट आया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न 23 नवंबर को इसका पहला केस आया अफ्रीका में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया ट्रैवलिंग फ्रॉम द 8 कंट्रीज ऑफ द साउथ अफ्रीका, जबकि WHO ने ये मेंशन किया था अपने स्टेटमेंट में कि कोई भी ट्रैवलिंग बैन नहीं लगेगी, रादर देन कंट्रीज फोकस करेंगे इंक्रीज टेस्टिंग, इंक्रीज वैक्सीनेशन, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन पे फोकस करें और बेड्स पे फोकस करें, फिर भी इन कंट्रीज ने बैन लगा दी ट्रैवलिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो WHO ने एक अपडेट स्टेटस दिया है 28 नवंबर 2021 को कि कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है इस डिजीज़ के बारे में, लेकिन जो CDC है सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जितने भी केस आए फ्रॉम 1 to 7 दिसंबर उनमें कुछ सिम्टम्स कॉमन थे, फॉर एग्जाम्पल SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्नीजिंग, सीवियर फीवर, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स कॉमन थे, कफ, कंजेशन, ये सारे सिम्टम्स कॉमन थे। तो आपको चाहिए कि अगर आपके इनमें से कोई भी सिम्टम है तो इसमें प्रिकॉशंस ले लें, मेडिसिन ले लें। अगर हम म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस में जो डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक होने वाला है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में 60 स्पाइक्स थी यानी कि 60 म्यूटेशंस थी उसके प्रोटीन में, और जो ओमिक्रॉन है उसमें 30 स्पाइक्स हैं, 30 म्यूटेशंस हैं उसके प्रोटीन में। इंडिया में इसका पहला केस आया 2 दिसंबर 2021 को, यानी कि इसी मंथ के बिगनिंग में इसका पहला केस आया कर्नाटका में, इसके बाद तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में,
केरला में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में इसका पहला केस आया 21 दिसंबर को जम्मू में। इंडिया में अभी तक 478 केसेस हैं जिनमें 151 रिकवरीज भी हैं। दिल्ली इस वक्त टॉप पे हैं 142 ओमिक्रॉन केसेस, उसके बाद महाराष्ट्र है 141 ओमिक्रॉन केसेस। अगर हम डायग्नोज की बात करें तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी गाइडलाइंस हैं कि पीसीआर टेस्टिंग इसकी डायग्नोज के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट है। जो पीसीआर रिपोर्ट्स में जिनमें एस जीन ड्रॉप आउट होगा वो बिग डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा वेरिएंट एंड द ओमिक्रॉन वेरिएंट। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो WHO ने रिकमेंड किया है कि ऐसी जगहों में बैठे जहाँ पे वेल वेंटिलाइजेशन हो, अवॉइड क्राउडिंग, अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट, यूज फुल फिटिंग मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये सेफ है, सिक्योर है, ये मेन ट्रीटमेंट है हर COVID-19 वेरियंट का। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो WHO ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि क्या ये वैक्सीन जो आज प्रेजेंट है ये इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायो एनटेक यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभी कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को जानने में कि क्या इसके पुराने वैक्सीन इस पर इम्पैक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मे बी हमें और 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ज़रूरत पड़ेंगे इस वेरियंट को रोकने के लिए। दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी आपने प्रिकॉशंस किए हैं COVID-19 के अदर वेरिएंट्स में, अगर हम आज भी वही सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क अच्छे से लगाएं, अवॉइड क्राउडिंग करें, सोशल कॉन्टैक्ट अवॉइड करें तो हम सेफ हैं, हैंड वॉश अच्छे से करें तो फिर हम सेफ हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो हम अपने आप को और अपनी फैमिली को दोनों को खतरे में डालते हैं, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ही डेडली होने वाला है डेल्टा वेरिएंट से भी। तो मेरी राय यह है कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें और वैक्सीनेट करवाएं खुद को एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन करवाना, फुल्ली वैक्सीनेट होना। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक मेडिसिन आता है, उसको बोलते हैं डेक्सामेथासोन। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी को अस्थमा होता है, सीवियर एलर्जी होती है या ब्रेन स्वेलिंग होती है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को सीवियर ओमिक्रॉन हुआ है। ये एक मेडिसिन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपके वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।